नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान टीवी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पेड़ और पौधे सिर्फ पर्यावरण की दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं होते, बल्कि ये हमारे जीवन में यानी मनुष्य के जीवन में शुभ और अशुभ प्रभाव भी डालते हैं। हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे के बारे में जिसका उल्लेख शिव पुराण में भी किया गया है, बेलपत्र। हिंदू धर्म में भगवान शिव पर गंगा जल के साथ बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। शिव पूजा में बेलपत्र को विशेष महत्व दिया जाता है। जब भी भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना होती है, तब तब शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव पर चढ़ाया जाने वाला बेलपत्र उनको नाराज भी कर सकता है? नहीं तो आइए आपको बताते हैं। पहले बात करेंगे उस प्रक्रिया की, इसको अगर फॉलो ना किया जाए तो बेलपत्र चढ़ाना व्यक्ति के लिए नुकसानदायक भी हो सकता है। शिव पुराण के अनुसार हफ्ते में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन बेलपत्र को पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए, और वो होता है सोमवार का दिन। हालांकि सावन में सोमवार के दिन भगवान शिव को ताजे बेलपत्र चढ़ाने की परंपरा है, लेकिन यह गलत है। गलत इसलिए क्योंकि अगर सोमवार को बेलपत्र ताज़ा ताज़ा लोग अगर चढ़ाएंगे तो सोमवार को ही वो तोड़ेंगे, लेकिन सोमवार को बेलपत्र तोड़ने से शिव भगवान नाराज हो सकते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि बेलपत्र एक दिन पहले यानी रविवार के दिन ही तोड़ लेना चाहिए और सोमवार के दिन शिवलिंग पर इसे चढ़ा देना चाहिए। ऐसा करने से भगवान शिव हमेशा आपसे प्रसन्न रहेंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार बेलपत्र को कभी भी चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, सोमवार के दिन और दोपहर के बाद नहीं तोड़ना चाहिए। ऐसे दिनों में या ऐसे समय में बेलपत्र को तोड़ने से घर बर्बाद हो सकता है, इसलिए कभी भी इन दिनों में या इन तिथियों में बेलपत्र को नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्तों, ये तो रही बेलपत्र से होने वाली नुकसानदायक बातें। अब बात करते हैं इससे होने वाले फायदों के बारे में। शिव पुराण के अनुसार जिस स्थान पर बहुत सारे बेलपत्र के पेड़ हों, वो स्थान काशी के समान पवित्र माना जाता है। उस स्थान पर हर रोज शिवलिंग की पूजा करने से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और सभी परेशानियों से मुक्ति भी मिलती है। स्कंद पुराण के अनुसार रविवार और द्वादशी के दिन बेलपत्र का पूजन करना चाहिए। इससे ब्रह्म हत्या और महापाप जैसे दोष दूर हो जाते हैं और घर में बेलपत्र का पेड़ लगाने से घर की दरिद्रता भी दूर होती है और निरंतर माता लक्ष्मी का वास रहता है। दोस्तों, माना तो ये भी जाता है कि अगर आपके पास शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए बेलपत्र नहीं है तो आप मंदिर से ही दूसरों के द्वारा चढ़ाए गए बेलपत्र को धोकर फिर से उसे भगवान शिव पर चढ़ा सकते हैं। यह उतना ही पूजनीय माना जाएगा। अगर बेलपत्र का पेड़ घर के उत्तर पश्चिम में लगा हो तो इससे यश बढ़ता है और घर की तंत्र बाधाओं से मुक्ति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार किसी भी महीने की अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा अथवा सोमवार के दिन में बेलपत्र लगाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। बेलपत्र को भगवान शिव का स्वरूप भी माना जाता है। जब द्वादशी रविवार के दिन पड़े, उस संध्या को इस पौधे के नीचे अवश्य एक दिया जरूर जलाएं। माना जाता है कि ऐसे समय में दिया जलाने से आपकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। साथ ही साथ ऐसा करने से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई जानकारी जो हमारे द्वारा बताई गई है सही ना लगी हो तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे प्लीज़ लाइक करें और अपने मित्रों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल ज्ञान विज्ञान टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी फिर किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।